फर्स्ट एड बना रहे हो बट फर्स्ट एड अच्छे खासे वो निकाल चुके हैं। रीलोड के पास यहाँ पे मौका है, दोबारा से देखिए पेशेंटली टैप टैप एक के साथ करते हुए बीएक्स के साथ आपको नजर आएगी। स्प्रे नहीं करते बट ही वुड गेट द फिनिश एज़ वेल, दैट इज जस्ट अमेजिंग। बट फिनिश मिला या नहीं मिला उनको ये मैं देखना चाहूंगा। वाइपर को एक्चुअली वो फिनिश मिलता नजर आया इन द एंड। आई थिंक अलनायक के पास भी अब अच्छा मौका है। डीएमआर की हम बात करते हैं, लैंड ऑफ डीएमआर एंड स्नाइपर्स एंड बा कमाल इस्तेमाल हमें इस मैच में डीएमआर का दिख रहा है। इंडियन न्यू यहां पर फेरोसिटी का नाम कर जाएंगे। टीम सोल 5 फिनिशेस, प्लेयर कोई गवाह नहीं है, थोड़ा सा ओपन में जाना पड़ेगा बट वाइपर यहां पर क्लियर आउट करते हुए जादू को भी डाउन किया जाता है। मार्क्स एन एंड फॉर द जर्नी ऑफ टीम हाइड्रा फ्रॉम दिस मैच। टीम सोल को मिलते हैं 6 फिनिशेस। नाउ इज अ क्रूशियल टाइम, अब आ जाता है छठा सर्कल जब आपको थोड़े से और टैक्टिकल मूव्स का सहारा लेना पड़ेगा। आपके पास एक अच्छा कॉर्नर है बट नॉक्स नहीं लेने हैं यहां से, मॉल को नॉक कर दिया जाता है। यू स्टिल हैव 20 सेकंड्स इन द जोन टू कम एंड 10 सेकंड लगता है रिवाइव करने में, तो रिवाइव करके बिना हील करे आपको जोन के अंदर जाना पड़ेगा। जो हील करने के लिए अगर आप रुक गए तो एक की जगह दो कैजुअलिटीज भी आ सकती है। ओके, वाइपर गए हैं, देखिए सपोर्ट रोल निभाते हैं अपनी टीम की तरफ से और बहुत अच्छा निभाते हैं। गए गाड़ी लगाई है हील करने की कोशिश, यहां पर रिवाइव करने की कोशिश करेंगे बट सिंपल यहां पे इन प्ले को स्पॉट करते हुए व्हाट इज ही डूइंग टुडे। मवी इतना इमैक्युलेट प्रेडिक्शन की तरफ से जिस तरह से प्लेयर्स को स्पॉट करा जा रहा है और बैक टू बैक उनको टेकडाउन किया जा रहा है। 5 फिनिश निकाल चुका है, ये एक चैंपियन खिलाड़ी है और ये अपनी छाप छोड़ता हुआ इस मैप के ऊपर और ये चैंपियनशिप में जीतने की कोशिश भी बड़ी जबरदस्त चल रही है। स्काइलाइट्स के प्लेयर्स को स्पॉट कर लिया बट स्प्रे नहीं दिया बिकॉज जानते हैं कि उनका अभी रीइंफोर्समेंट आना बाकी है। नाउ द टाइम फॉर गमला बॉय टू डू सम डैमेज बट मवी वांट यू टू डू सम डाउन कर दिया जाता है एवरी सिंगल प्लेयर जो एडीएस के अंदर आ रहा है, जो मवी के रडार में आ रहा है वो घुटनों पर जा रहा है और सीधा मैच से बाहर जाता जा रहा है। रिलोड की तरफ से ग्रेनेड जा जाते हैं, हीलिंग रिलोड के पास नहीं है। ये अभी भी बड़ा क्रूशियल पार्ट है जहां पर प्लेयर्स थोड़ा कर रहे हैं। द गोल्डन हैंड राइट कमिंग अप विद द ग्रेनेड, 1v2 ऑलरेडी हो चुका है मवी का। स्कारलेट्स की टीम को सिंगल हैंडेडली यहां पर मवी परेशान करते हुए। टीम के पास 8 फिनिशेस है, मवी अकेले के पास 6 और 7वां फिनिश पॉइंट भी अपने नाम करने की कोशिश है बट अब 33 मीटर दूर जाना है स्पीरो एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड अभी उसको शुरू करने की बारी आ चुकी है। वाइपर यहां पर आगे जा रहे हैं, देखना चाहूंगा स्ट्रक के ऊपर यहां पर एडीएस खोला जा रहा है, बाकी प्लेयर्स कंपाउंड पर स्काउट करें बेटर रहेगा। देखिए अभी भी जोन में नहीं है, यहाँ पे जोन में जाना जरूरी है, 11 मीटर जोन में जाना। रिलोड के पास एचपी नहीं है, बैंडेज लगानी पड़ेगी, यही तो परेशानी है उनके लिए। मॉर्टल द मैन विद द गोल्डन आर्म बट मैन विद द गोल्डन हैंड एज़ वेल, दो ऐसे प्लेयर जो नेड करने में महारत हासिल है और अब रश की बारी आती हुई। वाइपर आगे जाते हुए मॉर्टल उनके पीछे है, एक और नेड आएगा बट with those nades, nade parade yahan pe chalti hui team soul ki taraf se putar ko knock kara, ronak baare bache hain, ronak ko take down karne ki koshish, last one standing with the low sp but unko bhi take down kar diya jayega। team soul they are here and they are ripping things apart in this one। zone hamara nahi hoga to ghus ke zone apne naam kar lenge, that team soul for you that अपने नाम लेकर जाती हुई। रिलोड जिन्हें रिवाइवल चाहिए अच्छा खासा समय मिल सकता है, सिर्फ 1 मीटर दूर है, सर्कल के अंदर जाके आराम से लूट भी कर सकते हैं बिकॉज यहां से स्काइलाइट्स की जितनी यूटिलिटीज आपको चाहिए वो आप उठा सकते हैं। बेटर ग्रेनेड्स मिलेंगे जो वाइपर ने उठा के करने शुरू भी कर दिए और जो कनेक्शन भी ढूंढ चुके बिकॉज खलनायक यहां पर लोअर एचपी हो चुके हैं, कुछ और ग्रेनेड्स के कनेक्शन आ सकते हैं, ये नहीं बुरेगी देखने वाली चीज। बट लाइक के इवो और टेनिस सिटी के प्लेयर्स भी टॉप 3 के अंदर आ चुके हैं, दैट्स अ रियली गुड थिंग टू हैव बट कहीं ना कहीं आ जाती है मॉर्टल की और ये ग्रेनेड क्या जगह पर जाएगा, क्या खलनायक को फिनिश ऑफ कर जाएगा। आई थिंक नॉक वाले को फिनिश करने का उतना फायदा नहीं रहेगा बट वाइपर को ग्रेनेड आ जाता है जिसमें ब्लाइंड के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। मॉर्टल का ग्रेनेड, दिस इज द डिसाइडर ग्रेनेड, पेन यू गोइंग डाउन, नो यू डेड बट वाइपर को नॉक कर दिया जाता है। इको को स्पॉट कर लिया, इसको लेके डाउन करेगा, यस इट डज, इज ही गोइंग फॉर इट। वाइपर को रिवाइवल, डू यू थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट नाउ? आई थिंक यहाँ रिवाइवल अगर दे देंगे तो आपके पास संभावना है अभी भी ज्यादा है, आपके पास नंबर्स गेम का एडवांटेज है। वहां पे ब्लाइंड के प्लेयर तो रिवाइव दे ही रहे हैं बट अगर आप रश करने की कोशिश करते हैं आपके खत्म होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, रिस्क लेने की क्षमता आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी के लिए रिवाइव करिए, होल्ड कीजिए और नंबर्स गेम का एडवांटेज लेके दोबारा से वो नेड परेड को शुरू कीजिए जो आपको रीलोड करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट माया, अभी क्या होगा यहाँ पे हमें अभी पता चलेगा। हम बात कर रहे हैं टीम सोल की, उनके पास अच्छे फिनिशेस है, वो अच्छा कर रही है, दैट्स अ गुड थिंग बट कहीं ना कहीं ब्लाइंड के पास भी 13 फिनिशेस है जो इनको टेबल में एक अच्छा स्पॉट भी देकर जाएंगे। एंड क्या काबिले तारीफ, ब्लाइंड के लिए भी यह मैच चला था, क्या पोमिनिटास से सदन एरिया का सर्कल, उसके बाद 13 फिनिश पॉइंट्स अपने नाम करके जाना अपने आप में काबिले तारीफ चीज है। बट अब क्लस्टर के अंदर फंसने वाले आईजीएल के टी10 यहां पर अभी ब्लाइंड के इवो को डाउन कर देंगे, ब्लाइंड के सेवन की क्लियर बचेगा, देखते देखते उनके लोग एक्सपेन यहां पर टेनिस सिटी को डाउन कर जाएंगे। एक्सपेन बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, विल ही बी एबल टू गेट दैट 1v4 क्लच रन? आई थिंक इतना आसान होने नहीं वाला बिकॉज सामने आपको मिलेगी दी एक्सपीरियंस लाइनअप, नन अदर दैन टीम सोल। फॉर देम आर टीम सोल कमिंग अप विद द सेकंड इन अप फॉर द सेकंड मैच।